अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नर्सरी क्लास की इंग्लिश की बुक के साथ मैं हाजिर हूँ। पेज नंबर 40 ओपन कीजिए। आइए रीडिंग करते हैं। ये देखिए, रीडिंग करें मेरे साथ। आ बैक, आ हर्ट, आ टॉप, आ मैंगो, आ लीफ। दोबारा से पढ़े। आ बैग, आ हर्ट, आ टॉप, आ मैंगो, आ लीफ। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42 ओपन कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वोवल्स के बारे में। ये देखिए, आप भी जैसे मैं लिख रही हूँ आप भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा, ए, ई, आई, ओ, यू। ये देखिए, ये वाले जो लेटर्स मैंने लिखे हैं इनको बोलते हैं वोवल्स। क्या बोलते हैं? वोवल्स। और इन 5 लेटर्स के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एन। क्या लगाते हैं? एन। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर? देयर आर 5 वोवल्स। बताइए कौन कौन से वोवल्स हैं, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरीके से आप इसको याद कीजिएगा। अब नीचे आते हैं। अब हम रीडिंग भी इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए, ये क्या बना हुआ है, ये किस चीज़ की पिक्चर है? एलिफेंट। एलिफेंट किससे स्टार्ट होता है? ये देखिए, ई। किससे स्टार्ट हो रहा है? ये ई। अब हम देखेंगे क्या ई वोवल है या नहीं है। ये देखिए, ई तो वोवल है। ये देखिए, ई वोवल है। तो ई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एन। क्या लगाएंगे? वोवल के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एन। अब आगे देखिए, ये क्या है, पिक्चर क्या है कि बनी हुई है? एग की। ये देखिए, एग किससे स्टार्ट हो रहा है? ई। और ई क्या है? ई है वोवल। इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? एन। एन एग, एन आउ। आगे देखिए, ओ, ओ भी वोवल है। ये देखिए, वोवल है ना, तो हम इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, क्या लगाएंगे? एन। एन आउ। आगे देखिए, ये काहे की पिक्चर है? एप्पल की। तो हम इसके साथ क्या पढ़ेंगे? एन एप्पल। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए कि ए जो है वो है वोवल। अब ये देखिए, आगे है एन एक्स। अब दोबारा से रीडिंग करें मेरे साथ। एन एलिफेंट, एन एग, एन आउल, एन एप्पल, एन एक्स। आइए कॉपी की तरफ आते हैं। 17 ओपन कीजिए। आज हम के टू जी की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि आपकी पेंसिल शार्प है। शार्प पेंसिल के साथ हम लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए, पूरे पेज पे डॉट्स हैं। अब हमने स्टार्ट करना है के से। तो देखिए, सबसे पहले के लिखा मैंने, कैसे स्ट्रेट लाइन बनाई। आप ही मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब आगे देखिए, बिल्कुल इस डॉट तक आपके आने चाहिए जहाँ पे लाइन है। ये देखिए, टू स्टार्टिंग लाइंस बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन गया, के। अब बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं देना और बिल्कुल क्लोज भी नहीं, इसके साथ ज्वाइन भी नहीं करना, हल्के से गैप के साथ। अब हम इसकी स्मॉल लेटर लिखेंगे। इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाई और इस तरह से इसकी स्टार्टिंग लाइन बनाई। देखिए, ये क्या बन गया, के। अब आगे आइए सेकेंड डॉट पे। ये देखिए, के आगे एल। ये देखिए, इतना ईजी है एल, मेरे साथ साथ लिखे सब। ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने और एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन। ये देखिए, एल बन गया। अब इसी तरीके से स्मॉल एल। आगे देखिए, एम, मेरे
सा सा सब लिखे, स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई। देखिए देखिए स्टार्टिंग लाइन, अनदर स्टार्टिंग लाइन एंड स्ट्रेट लाइन एंड अब ये देखिए सेकंड लाइन में, देखिए एम का ये भी बनाया, स्मॉल एम बनाएंगे ये देखिए इस तरह से और इस तरह से, ये देखिए एम बन गया। चाहिए के एल एम, आगे ये देखिए एम, इसके लिए आपके लिए डॉट्स चले गए हैं ताकि आप आसानी से देखिए y और लास्ट में z, इस तरह से पूरा अपना हमने k टू z के साथ साथ हमने इसके स्मॉल लेटर्स भी लिखे हैं और यहाँ हमने पूरा पेज अपना कंप्लीट किया। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसकी सेकेंड पेज में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि फर्स्ट लाइन में हम हमेशा क्वेश्चन लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप राइट के टू जी इन ऑर्डर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और इसी तरीके से आपको मामा डॉट साल के देंगे। देखिए इस तरह से जैसे कि पैटर्न को फॉलो करते हुए इस तरीके से आपको डॉट साल के दिए जाएंगे और आप पूरा इसमें के टू जी की प्रैक्टिस करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपका है डिक्टेशन का। देखिए इसमें पेरेंट्स बच्चों को डिक्टेशन करवाएंगे के टू जी, इसमें आप कोई सा भी लेटर बच्चों को बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बच्चों को बोल दीजिए एम, यहाँ पर बोल दीजिए आप ओ फॉर एग्जांपल, चले मेरे साथ साथ आप ही लिखिए। हम लिखते हैं यहाँ पर एम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यही वर्ड्स बच्चों को बोलें, आप यहाँ पर कुछ भी लिखवा सकते हैं। देखिए अगर बच्चे लिख रहे हैं साथ साथ आप उनको चेक करते जाइए और अगर कोई बच्चा गलत लिख रहा है कोई वर्ड, या फिर उसका स्मॉल लेटर ठीक नहीं है या वो लाइंस में ठीक नहीं लिख रहा, तो आप उसके नीचे करेक्शन भी करवा सकते हैं। और अगर बच्चा बिल्कुल सही फाइव वर्ड लिख रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई स्टार भी दे सकते हैं एम, और आप यहाँ पर लिखवा लीजिए Q, और
टी लिखवा लीजिए, टी लिखवा लीजिए। देखिए ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वर्ड्स हो, कुछ भी आप लिखवा सकते हैं बच्चों को। और आप लिखवा लीजिए डब्ल्यू, देखिए डब्ल्यू, और यहाँ पे नीचे आप एक्स लिखवा लीजिए, वाई लिखवा लें, जेड लिखवा लें, कुछ भी लिखवा लें। ये देखिए इस तरीके से आप बच्चों को ये वाला पेज कंप्लीट करवाएंगे। और अगर आप देखेंगे आपने जो वर्ड बोला है और बच्चे ने वो यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप उसके नीचे करेक्शन करवा दीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज में भी आपने ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे डिक्टेशन लिखनी, डिक्टेशन लिखिए और आगे लिखिए ए टू सी। बच्चों को यहाँ पे नंबर्स डाल दीजिए, ये देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5। और मज़ीद बच्चों को यहाँ पर और प्रैक्टिस करवाइए डिक्टेशन की, ताकि बच्चों को और अच्छे तरीके से अल्फाबेट्स की पहचान हो जाए। आई होप सो कि आपको मेरी ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।